एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रशासन दिन रात काम में लगा है। उन्होंने बताया कि कोविड कंट्रोल रूम में कई ऐसे लोगों के फोन भी आ रहे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों का स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करवाकर उनकी समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। वहीं बॉर्डर पर अधिसूचना जारी होते ही नाका लगा दिया गया था, जहाँ सभी लोगों के दस्तावेजों की गहनता से जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना में जो बदलाव किया है उस बाबत भी जानकारी बैरियर पर तैनात कर्मचारियों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि नूरपुर में इस समय 8 टीमें तैनात की गई हैं, जो हर क्षेत्र में जाकर निगरानी रख रही हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान अपने घरों से तभी बाहर निकले जब कोई जरूरी काम हो। बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन और पुलिस नियमानुसार कार्यवाही कर रही है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो नूरपुर प्रशासन है वो दिन रात जो है कोविड से बैटल में लगा हुआ है। हमने इसमें एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है एसडीएम ऑफिस में, जो कि 24 घंटे वो हमारा कोविड कंट्रोल रूम जो है कार्य कर रहा है। इसमें लोगों को फ़ोन कॉल किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जो अपनी समस्याएं हैं उसके बारे में फ़ोन आ रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की ऑक्सीजन जो है समटाइम्स लोअर साइड पर आ रही है, तो वो सबसे पहले वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा हमें फ़ोन करते हैं, हम उनसे टाइप कर रहे हैं। रही बात बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे जो निगरानी है वो हम डे वन से, जिस दिन से ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी, हमने उसी दिन से जो है इसको स्थापित कर लिया और बहुत अच्छी तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। जो अमेंडेड नोटिफिकेशन जो आज आई है, जो नए रूल्स है, उसके मुताबिक जो जितने व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं उनके पास ही अप्रूव कर लें, जो कि हमने जैसे ही ये निर्देश हमें प्राप्त हुए हमने शुरू कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि जितने लोग जा रहे हैं इनको ये जो है विद पासेज जा रहे हैं, अप्रूव पासेज के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर जितना हमारा स्टाफ है इनको मैंने अच्छे तरीके से गाइडलाइन इनको समझा दिया है, उनको बता दिया, उनको ट्रेन कर दिया कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है। इसके अतिरिक्त जो है नूरपुर उपमंडल के अंदर हमने 8 सर्वेलेंस टीम्स बनाई है। SDOs को जो है हमने इसमें और EOs और BDOs इनको हमने जो इसमें सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है, जो भी जो कोविड के लॉकडाउन के जो नियम हैं इन चीज़ों की अनुपालना रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में ये कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है मैं स्वाई और हमारे तहसीलदार नूरपुर, हमारे नायब तहसीलदार नूरपुर ये फ्लाइंग स्क्वाड में है और ये भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जो सरकार के जो नीतियाँ हैं जो ये कोविड को लेकर इसको हम जो है इनको सिखा रहे हैं, इनको समझा रहे हैं।